हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। प्रैक्टिस पेपर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं हैदराबाद और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी। तो आज मैं एक सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का पेपर अपलोड कर रहा हूँ, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया गया था, लेकिन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारा सिलेबस दिया गया था। सेकेंड पेपर आप देखिए और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस के साथ भी मैं बतलाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी AET मार्क्स का है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पदांश पढ़कर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं, मदर तेरेसा किन के लिए पर्याय कहलाती थी। ये पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया गया है, देखिए ये पैराग्राफ देकर फिर दोबारा से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्वेश्चंस लिखना है आंसर्स। उसी तरह निम्नलिखित पदांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का एक या दो वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक या दो वाक्यों में, एक फाइव वन सा फाइव लिखना है आपको, एक ही लिखना है इसके अंदर से। और यहाँ पर इसके प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न पढ़कर आपको यहाँ से इसके आंसर्स लिखना है। यहाँ पर देखिए पदांश है, निम्नलिखित पदांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है दोबारा, ये पोएम पढ़ना है, ये पोएम के क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर इसके दोबारा से आंसर्स आपको लिखना होगा। फिर दोबारा से देखिए, यहाँ पर एक पदांश दिया है, फिर दोबारा क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर से लिखना है। बहुत सारा ईजी क्वेश्चन है सभी आपको। अब यहाँ पर आपको किन ही चार प्रश्नों के, ए वे नाल प्रश्न उत्तर में कट रहा है, फाइव फोर क्वेश्चन है यहाँ पर। आप ये आपको रीडर से मिलेंगे, ये आप देख लीजिए, क्योंकि मैं मॉडल पेपर अपलोड करूंगा जब आप सारे आंसर्स देख सकते हैं। थर्ड सेक्शन यहाँ पर किसी एक प्रश्न का उत्तर, ए देना दानी गुरी कट रहा है मेरे, मूड क्वेश्चन इवे तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसी तरह फोर्थ सेक्शन देखेंगे आप, फोर्थ सेक्शन में ये एक लिखना है आपको, एक प्रश्न का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल रहेगा, ये जनरल से आपको लिखना है। यहाँ पर भी एक लिखना है, इस सेक्शन में से भी एक आपको लिखना है। इस तरह ये आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। ये पार्ट बी है, पार्ट बी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, असमान में तारे चमक रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्याय शब्द लिखना है। यहाँ पर सी आपका आंसर आएगा, नभोर अंबर। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, एक बार आप अच्छी तरह देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है पार्ट बी के, आप देख सकते हैं। ये पार्ट बी है, एक बार आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके और अपने क्वेश्चंस पेपर्स में भी चेक कर लीजिए, आप किस हद तक करेक्ट लिखे हैं। ये पूरे सारे आंसर्स आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर से, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। तो ये आपका पेपर, हिंदी पेपर सेकेंड लैंग्वेज कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस पेपर 2022। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मैं मॉडल पेपर्स भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स।